बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग में बंपर भर्ती होगी, इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई है। करीब 14,000 पदों पर नियुक्तियां होनी है। जल्द ही इसके लिए भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव इसके लिए भेजा था और वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। और अभी करीब 12,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है और अब ये जानकारी कि 14,000 पदों पर भर्ती। हेलो फ्रेंड्स, हमारे छत्तीसगढ़ में बरसात आ गए है और पढ़िए लिखे हम पर अभ्यर्थी मन पर कहा है वैकेंसी की बरसात, ठीक है ना। मतलब बरसात भी आ गई है और नए नए वैकेंसी के भी बरसात हो थे, तो बहुत सारा एग्जाम भी हो चुके हैं। और अभी जो है शिक्षक भर्ती एग्जाम हुई कितना पोस्ट लिस्ट में, लगभग 12,500 पोस्ट। तो अभी जानकारी ये भी मिला था कि 14,000 नया पोस्ट आने वाला है, तो 8 मई 14,000 नया पोस्ट आने वाला है, कब आई ये सब चर्चा करो आगे। और टीटी कई जन मन के टीटी नहीं निकले है, तो वो मन का करें, तो ये सब चीज हम यहाँ चर्चा करो। ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, सुनवा हो नया नया जानकारी आप मतलब मिलत रही। चलो ठीक है, तो चर्चा करते हैं आगे। तो 8 मई 2023 को नोटिफिकेशन आया था कि दुर्ग रायपुर और बिलासपुर संभाग से जानकारी मांगा गया था, ठीक है ना। दुर्ग बिलासपुर और रायपुर संभाग से जानकारी मांगा गया था, अलग अलग सहायक शिक्षक शिक्षक और व्याख्याता के पद के लिए जानकारी मांगा गया था उसमें, कि उस पीडीएफ में पूरा डिटेल मांगा था कि इन सब जो है दुर्ग रायपुर और बिलासपुर संभाग में नया वैकेंसी आ सकता है। तो ये वैकेंसी कब आएगा, तो देखिए अभी जो भर्ती हो रहा है, ठीक है ना, 12,000 समथिंग पोस्ट है, ठीक है, 12,000 लगभग 12,500। तो इसका जो है चल रहा है प्रोसेस, ठीक है ना, कट ऑफ वगैरह आया है, ठीक है, मॉडल आंसर आया है, कट ऑफ तो नहीं आया है। तो आगे इसका भर्ती प्रोसेस के आते तक आपका चुनाव आ जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है ऐसा मुझे लगता है कि जो 14,000 नए पद है, ठीक है ना, उसको क्या कर सकता है, उस अपना जो घोषणा पत्र है उसमें क्या करेगा, वो डालेगा उसमें कि 14,000 जो है नए शिक्षकों की भर्ती हम करेंगे। तो ये जो पद है, ठीक है ना, इसको प्रोसेस होने में तो आपका टाइम लगेगा अभी, ठीक है ना, अगस्त तक जो है, अगस्त सितंबर तक, तो ये सब प्रोसेस तो चलता रहेगा। ये जो नए पद है, ठीक है ना, ये जो नया 14,000 का पद है, ठीक है, इसको क्या कर सकता है गवर्नमेंट, जो है घोषणा पत्र में डाल सकता है। तो ये चीज हो सकता है, अभी नहीं आएगा ये वैकेंसी जो है, ये अभी थोड़ा टाइम है, 6 महीना समथिंग, ये ज्यादा भी लग सकता है। तो ये जो है आपका घोषणा पत्र में जाएगा, ठीक है ना, 14,000 जो नए पद ये है, ठीक है ना। और अब ये तो हो गया, तो ये समझ चले कि 6 महीने से ज्यादा समय है इसके आने में, ठीक है, तो आप जो अपना तैयारी कंटिन्यू रखें। और एक बात, ठीक है ना, टीटी नहीं निकला है कुछ लोगों का, या जो अभी बीएड कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका भी टीटी नहीं निकला है, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, बिना टीटी के ये वैकेंसी आ ही नहीं सकता, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिना टीटी के एग्जाम हुए ये वैकेंसी आएगा ही नहीं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप जो है अपना तैयारी करें, आप जो है किसकी तैयारी करें, टीटी की तैयारी करें, टीटी की जो है आप अच्छे से तैयारी करें। तो ये टीटी का आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, वो टीचर भर्ती में भी काम आएगा, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम होता है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर टीटी की तैयारी करें, क्योंकि बिना टीटी आए ये जो वैकेंसी है वो आएगा ही नहीं। तो आप निश्चिंत होकर टीटी की तैयारी करते रहें और जो है अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरह का मैं जानकारी आप लोगों शेयर करना चाहता था, तो आप निश्चिंत होकर अपना तैयारी करते रहें। और तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसमें जो है गणित वगैरह आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।